हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ऐसा ही रूप ख्यालों में था ऐसा मैंने सोचा। वो हसीन दर्द दे दो जिसे मैं गले लगा लूं। आइए दोस्तों बात करते हैं 60 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्री माला सिन्हा की। इनका जन्म 11 नवंबर 1936 को कलकत्ता में हुआ था। इनकी माता नेपाली थी और पिता बंगाली थे। इनका बचपन का नाम आलडा था, इसलिए स्कूल में सभी साथी इन्हें डालडा कहकर बुलाते थे। डालडा कहकर चिढ़ाने से तंग आकर इनकी माँ ने इनका नाम माला रख दिया था। इनकी रुचि बचपन से ही गायन और अभिनय में थी। रुक ना पाऊं मैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के कलकत्ता के अंदर से गायिका के रूप में ही की थी और जल्दी ही बंगाली फिल्मों में अभिनय करना भी शुरू कर दिया था। बंगाली फिल्मों में ठीक ठाक सफलता मिली तो 50 के दशक की शुरुआत में हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री बनने का सपना लेकर ये मुंबई चली गई। बॉलीवुड में काम करना और पहचान बनाना इनके लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि जिस समय ये मुंबई गई थी उस समय बॉलीवुड में नरगिस मधुबाला, मीना कुमारी, बीना राय, नूतन जैसी अभिनेत्रियाँ स्थापित हो चुकी थी और वैजयंती माला, वहीदा रहमान जैसी अभिनेत्रियाँ इनसे दो कदम आगे चल रही थी। दिल मेरा चुपचाप जला। इन सब के बीच 1954 में इन्हें सबसे पहले फिल्म बादशाह में काम करने का मौका मिला। ये फिल्म फ्लॉप रही। अकेली यही नहीं, उसके बाद तो और भी खूब फिल्में फ्लॉप हुई। ये सफलता की उम्मीद के साथ फिल्मों में काम करती रही। बॉलीवुड के दिग्गज कहने लगे कि गोरखा जैसे चेहरे मोरे वाली ये लड़की ग्लैमर की इस दुनिया में नहीं चल पाएगी। इनके निजी जीवन की बात करें तो 1968 में इन्होंने नेपाली फिल्मों के अभिनेता चिदंबर प्रसाद लोहानी से शादी की थी। प्यार का जादू हम पे चला के याला याला दिल ले गया। इनको एक ही व्यक्ति से 3 बार शादी करनी पड़ी थी। सबसे पहले इन्होंने शादी कोर्ट में की थी, दूसरी बार इनके पिता ईसाई थे तो चर्च में करनी पड़ी। इनकी माता नेपाली थी तो इनको नेपाली तौर तरीकों से भी शादी करनी पड़ी थी। हमें मंजूर है आपका ये फैसला। भले ही माला सिन्हा कितनी बड़ी अभिनेत्री क्यों ना बन गई थी, लेकिन वे अपने पिता से हमेशा डरती थी। घर में सादगी से रहती थी, रसोई घर में खाना बनाती थी, चाय नाश्ता बनाती थी। जब भी अकेली होती माला सिन्हा की उम्र फिलहाल 87 वर्ष के आसपास है और वे अपनी इकलौती बेटी प्रतिभा सिन्हा के साथ मुंबई में ही रहती हैं। प्रतिभा सिन्हा ने 90 के दशक में फिल्मों में अपना करियर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम।